हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोगों को उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे एंड वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो गाइस, जो आज का ब्लॉग बनने जा रहा है वो ट्रैवल प्लेसेस पे तो नहीं है, बट ये एक स्पेशल होने वाला है ट्रैवल वालों के लिए, क्योंकि बहुत से लोगों का होता है कि वो जो बड़ी बड़ी ट्रैवल एजेंसीज है या फिर बड़े बड़े होटल्स है वो कहाँ पे ट्रैवल मीट करते हैं, तो वो सब कुछ होने वाला है इस ब्लॉग में। और अगर आप जानना चाहते हो कि क्या है क्या नहीं है स्पेशल, तो इस ब्लॉग का पूरा देखें। तो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर कमेंट। एंड आज मैं आया हूँ सेटे में, जो कि ट्रैवल जो एजेंसीज हैं ट्रैवल से रिलेटेड, जैसे होटल रिजॉर्ट है, उनके लिए ये ब्लॉग काफ़ी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि कई लोग यहाँ पे नहीं आ पाते। और क्या होता है यहाँ पे वो इस ब्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस ब्लॉग को आप पूरा देखें, एंड तक देखें कि मैं इस ब्लॉग में आपको क्या स्पेशल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने वाला हूँ। गाइस, आज मैं आया हूँ साटे। साटे एक प्लेस है जहाँ पे बड़े बड़े ट्रैवल एजेंसीज और होटल्स एंड रिजॉर्ट और जो भी ट्रैवल एजेंसी के लोग होते हैं वो एक दूसरे से मिलते हैं। तो ये ब्लॉग उन्हीं के लिए स्पेशल होने वाला है कि क्या रहता है यहाँ पे स्पेशल। तो इस ब्लॉग में आप पूरे बने रहिए और देखिए कि कैसा रहता है ये साटे का दिन और क्या क्या होता है यहाँ पे। तो गाइज, बात करते हैं कि ये साटे क्या होता है। तो साटे साउथ एशिया का ट्रैवल एंड टूरिज्म का एक एक्सचेंज है, जहाँ पे मैक्सिमम टूरिज्म से रिलेटेड, जैसे कि होटल रिजॉर्ट एंड एयरलाइन वाले मैक्सिमम यहाँ पे आते हैं, जो कि बड़ी कंपनीज होती है, एक दूसरे से मीटअप करने के लिए, अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए। ये एक एग्जीबिशन होता है और यहाँ पे हर स्टेट से एंड इंटरनेशनल टूरिज्म से रिलेटेड भी लोग आए हुए हैं। तो अभी मैं इसी वीडियो में आपको ये सारा कुछ दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि जो भी मैं इंफॉर्मेशन आप लोगों को दिखा रहा हूँ वो प्रॉपरली आप लोगों को दिखा सकूँ। अभी आप देख सकते हैं मैं एग्जीबिशन हॉल में हूँ। यहाँ पे हर टाइप की कंपनी, जैसे कि होटल से रिलेटेड एंड टूरिज़म से रिलेटेड, जितना भी आपका अंतर्राष्ट्रीय और इंडियन जो भी ट्रैवल बोर्ड होते हैं वो सब यहाँ पे जुड़े होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट भी आए होते हैं। और बात करें कि यहाँ पे और क्या स्पेशल होता है, तो ये एक मेला टाइप होता है गाइस। यहाँ पे लोग अपने जैसे कार्ड होते हैं, अपना ब्रोशर्स होते हैं, वो लोगों को एक दूसरे बिजनेसमैन को देते हैं, ताकि आपको बिजनेस करने में आसानी होती है। B2B के लिए यहाँ पे ज़्यादातर काम होता है ये। आप सिंगल पर्सन के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होता है ये, B2B कस्टमर के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे कि आप एक बिजनेसमैन हैं और आप चाहते हैं कि मुझे हिमाचल में, कश्मीर में, आपका केरला में, या फिर कहीं पे भी ऑल ओवर इंडिया, या फिर बाहर भूटान हो गया, मलेशिया हो गया, अदर कंट्रीज़ में आपको टूरिज़्म से रिलेटेड लोगों से बातचीत करनी है, होटल आपको चाहिए, तो ये सभी चीज़ें आपको यहाँ इस एग्जीबिशन में मिल जाएगी। यहाँ पे आप आके सभी से मिल सकते हैं, इनके आप कार्ड ले सकते हैं, बाद में आप इनको ईमेल कर सकते हैं, इसके थ्रू आपको रेट्स मिल जाएंगे, आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कौन कौन से होटल वहाँ पर अवेलेबल है, और आपके अकॉर्डिंग जैसे कि कैटेगरी वाइज भी होता है कि एक ब्रांच, जैसे एक स्पेसिफिक ब्रांच होती है होटल की, कि ये ओवरऑय होटल है, या कोई और ब्रांचेज होती है तो वो कहाँ कहाँ पे है, तो यहाँ पे आपको हर टाइप की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और आप यहाँ पे आके मिल सकते हैं लोगों से, बिजनेसमैन से। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको यही चीज़ दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे आपको हर टाइप के बिजनेस, जैसे टूरिज्म से रिलेटेड हर टाइप के लोग एंड बिजनेस मिलेंगे, चाहे वो फ्लाइट होगी, चाहे आपका होटल होंगे, रिजॉर्ट्स होंगे, या आपका फ्लाइट्स होगी, ये सभी जो भी ट्रैवल से रिलेटेड फैसिलिटी प्रोवाइड। अगर आपका भी ट्रैवल से रिलेटेड कोई बिजनेस है तो आप भी नेट पे सर्च करके ये चीज़ें आपको अवेलेबल मिल जाएगी, कहाँ कहाँ एग्जीबिशन होते हैं, कहाँ कहाँ ये
मीटअप होते हैं वो आपको इजीली मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ और नए प्लेस के साथ या कुछ और नई कुछ खास चीज़ के साथ। तो अभी के लिए लेते हैं आपसे अलविदा, मिलते हैं आपसे बाद में। बाय बाय, टेक केयर।